हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी रेसिपी है दाल मखनी, जो कि नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द फेमस डिश है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कुकर। कुकर में ऐड कर रही हूँ 1 बाउल सोख दाल। इसको मैंने ओवरनाइट सोख किया है और इसको वॉश करके इस तरीके से कुकर में डालेंगे। साथ ही ऐड कर रही हूँ 2 ग्रीन कार्डमम, 1 ब्लैक कार्डमम। खड़े मसाले ऐड करने से दाल में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, साथ ही फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आएगी। और इसके साथ ही ऐड करेंगे 1/2 इंच सिनेमन स्टिक। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, इससे दाल जल्दी पकेगी। और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे दाल में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ 2 बड़े गिलास पानी, क्योंकि ये दाल पकने में टाइम लेती है, इसलिए पानी की क्वांटिटी हमें इसमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो अभी सारी चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी हैं। अभी लिड को हम कवर करेंगे। 5 से 6 सीटियों तक इसको हाई फ्लेम पर हमें कुक करना है। तो अभी 6 सीटियां हो चुकी हैं, गैस को ऑफ करेंगे और अभी कुकर ठंडा होने पर लिड को केयरफुली ओपन करेंगे और चेक करेंगे अपनी दाल को। अभी देखिए दाल कितनी अच्छे से गल गई है, राजमा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई है, जैसी हमें चाहिए थी। तो अभी चलिए दाल का हम तड़का प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। इन दोनों को मिक्स करेंगे और साथ ही ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने फ्रेश घर पर बनाया हुआ है, आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अभी पेस्ट हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 4 मीडियम साइज़ की टोमेटो प्यूरी। ये मैंने फ्रेश बनाई हुई है, आप पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमें 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, जब तक इसका सारा पानी ख़त्म नहीं हो जाता है। अब 5 मिनट बाद देखिए प्यूरी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। तो अभी इसमें टाइम है मसाले ऐड करने का। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। साथ में ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर। साथ में ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। इसके साथ ही ऐड करेंगे 1/3 टेबलस्पून गरम मसाला। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाएं और ये जले नहीं। तो इसको मिक्स करेंगे और इस तरीके से कुक करेंगे। अभी मसाले परफेक्टली कुक हो चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट हमने पहले दाल में भी डाला था, तो आपको ध्यान से डालना है। अभी यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपनी बनी हुई दाल। दाल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अभी दाल की कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी थिक लग रही है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 ग्लास गर्म पानी। दाल अगर आपकी कभी भी थिक होती है तो आपको गर्म पानी ही यूज़ करना है, ठंडा पानी कभी भी ना डालें। तो अभी देखिए जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी वो हो गई है। इसको 15 मिनट तक हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर को मिक्स करेंगे। इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून क्रीम। फ्रेश क्रीम मैंने ली है यहाँ पर। क्रीम को दाल में अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखें, दाल जब हमारी पक जाए क्रीम को तभी आपको इसमें ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देखिए दाल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया है और ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो दाल अभी बन गई है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी। इसको इस तरीके से हाथों से क्रश करना है, ताकि इसकी जितनी भी मोटी डंडियां हों वो सारी हमें बाहर निकाल देनी है। और इस तरीके से कसूरी मेथी को इसमें मिक्स करेंगे।
तो अभी दाल हमारी बनके तैयार हो गई है और इसको हम इस तरीके से बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ी सी क्रीम और धनिया के साथ इसको इस तरीके से गार्निश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।